नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कांता जी हैं, इनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं, इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इनकी जिंदगी में बदलाव आया और किसकी वजह से आया, जानेंगे कांता जी से बातचीत करके। कांता जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कांता जी, क्या प्रॉब्लम थी आपके जिंदगी में, मतलब क्या परेशानियां थी आपको? सारी ही परेशानियां थी हमारे घर में, नशा भी हा और गुस्सा इतना घर में, जैसे सारे दिन ही वैसे ही बस नरक जैसी जिंदगी हमारी। हमारे गुरुजी ने इतना बदलाव ला दिया कि हम देन नहीं चुका सकते। अब कैसी जिंदगी है आपकी? हमारी बहुत बहार जैसी जिंदगी, बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है घर में किसी चीज की भी। कभी भी आपको, मतलब अभी कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है नशा नहीं, नशा नहीं, करने कुछ भी नहीं ऐसी? किस गुरु की वजह से, किस संत की वजह से? हमारे संत गुरु डॉक्टर राम रहीम सिंह जी की वजह से। कितने समय से जानते हो आप संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह? 22 साल से। 22 सालों से जानते हो? 22 साल पहले आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल बदल गई। मैम, संत जी का स्वभाव कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमारे को। मैम, कोई आपका पति का नशा छुड़वाने के लिए कुछ आपसे मांगा गया? नहीं, कुछ नहीं मांगा। कोई आपसे पैसा मांगा हो या कोई और कुछ कहा हो उन्होंने? नहीं, जब से हमने नाम लिया अपने आप सारा कुछ अपने आप ही सारा सही होता चला गया हमारे। मैम, जो आरोप संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिकित्सा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है? ये सब गलत है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता? हम दिन रात यहीं रह रहे हैं, हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसे आप लोग कह रहे हैं, जो मीडिया में टीवी में। ये तो सब गलत है, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं। फिर सच क्या है, संत जी का चरित्र कैसा है? बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत इतनी जिंदगी लोगों की देखो बेसावर्ती से बचा दिया दुनिया ने, बहुत अच्छा काम करते हैं जी। क्या आज उनकी आपको लगता है जरूरत है? हाँ जी, सबको जरूरत है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? बस जल्दी से जल्दी आने की। आपको कितनी याद आती है उनकी? बहुत ज्यादा आती। कितना प्रेम करते? बहुत ज्यादा। क्यों आपकी इतनी आस्था, इतना विश्वास क्यों? क्योंकि उनके बगैर रह ही नहीं सकते हम। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया आपकी जिंदगी में? हमारी जिंदगी बदल दी उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। रो रो के जनता अपील कर रही है, मांग कर रही है और अपनी जिंदगी की दास्तान बता रही है कि कैसे उन्होंने इनकी जिंदगियों को बदल दिया, इनके घर से नशा खत्म कर दिया, इनके घर को नरक से स्वर्ग बना दिया और आज ऐसे संत की समाज को जरूरत है। इनका मानना है कि आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं, जिस संत ने वैश्य तक को बेटी बनाया उस संत को इनका मानना है कि झूठे आरोपों में बदनाम किया गया। सोचेगा जरूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।